माशाल्लाह बहुत कह रहे हैं आपके चांद से चेहरे के लिए भी मैंने कुछ लिखा है, छोटा सा शेर लिखा है, चांद सा चेहरा आंखों में मौत पा गई तन्हाई, चांद सा चेहरा आंखों में, गौर से देखिए मेरी तरफ, गौर से देख रही हूँ आपको, क्या नजर आया अनुषे, पछतावा। मैं आपके शेरो शायरी की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप दूसरा शेर भी सुना दें। तीसरा। हाँ, हाँ, देखिए मैं इतना एंजॉय कर रही थी कि मुझे पता ही नहीं था कि दूसरा था या तीसरा। अरे क्या बात, Oh my God. आपकी कितनी आदतें मुझसे मिलती हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं मुआशरे की इखलाकी तरबियत पे, मेरे मुवक्कफ पे अगर किसी को एतराज है तो मैं एक बात करना चाहता हूं। क्या? कि हम ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, जी जी, नया सूट पहना होता है, लेकिन चप्पल पुरानी क्यों पहन के जाते हैं, क्यों क्यों करते हैं लोग? पानी क्यों दे रही है? पानी या तो पी ले या तो डूब जाए। अगला क्यों चिड़ी लगती है नहीं। माशाल्लाह आप अच्छे हैं, प्यारे हैं। आ चिकना 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 आ चिकना 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 अनुषे, जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट जिसके लिए जब अनुषे रात को सोने लगती है तो खुद को थपकी देती है कि वाह शाबाश अनुषे। अपने पेरेंट्स को प्राउड किया, उन दोनों के जाने से पहले मैंने बहुत अच्छा काम किया, जहाँ जाते थे मेरी तारीफ करते थे, ये बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट? पता नहीं वो रिग्रेट है या मुझे लगता है, बट अम्मी मेरी बीमार थी जैसे आपको पता है, और मैंने ज़्यादा टाइम शूट पे गुजारा, हमारा काम ऐसा है, तो मुझे ये था कि शायद जितना टाइम मेरी अम्मी को मुझसे चाहिए था वो मैं काम की वजह से उनको नहीं दे सकी, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे ये एहसास बहुत ज़्यादा काटने लगा कि शायद उनको सिर्फ मेरा टाइम चाहिए था और वो टाइम मैं काम को दे रही थी, जो कि एक फेयर बात है। एक मशवरा दूँ आपको? जी, छोटा सा जी, इसे रिग्रेट समझना बंद कर दीजिए कि एक लड़की जो अपनी माँ के इलाज, उनकी आसाइश, उनकी आसानी के लिए घर से निकलकर 2 घंटे की ड्राइव करके 12 घंटे शूट कर रही थी, वो अपनी माँ के लिए मेहनत कर रही थी, उनका ख्याल कर रही थी, ये रिग्रेट की नहीं, ये प्राउड की बात है। क्या बात, क्या बात। क्या हाल है, सब ठीक है? अनुषे तुम नजर से क्यों दिखाई नहीं देते? सर आप रो रहे हैं, कितने बार रहे हैं? अचानक तेरे वाल ध्यान पै गया ना, डर गए ने। मैं इतना बुरा तो नहीं सर, बड़े हैंडसम, बड़े क्यूट, बड़े स्मार्ट, होते होते रह गए। दिखाई नहीं देती, थोड़ी देर पहले आंदा चपेड़ पैनी सी, तेनू दिखाई देना सी सब कुछ। हमारे रहन सहन में, हमारी आदत और तवार में इखलाकी तरबियत क्यों दिखाई नहीं देती? क्यों आज पानी की टैंकी के साथ ग्लास को जंजीर डाल के बांधना पड़ता है? क्यों घर के बाहर पंप को जंगला चढ़ा के
ताला लगाना पड़ता है। इलाके च चोरियां बड़ी होंदी ना, रात नूं चोरियां करदा, दिने नसीहतां करदा। दीवार पे लिख के ये बताना पड़ता है कि यहाँ कूड़ा फेंकना मना है। हाय क्यों? इस पे मैंने एक छोटा सा शेर लिखा है, मैडम शरा तलीम की तो बढ़ रही है तो फिर ये अमल का बहरान क्यों है? क्यों है? हर एक तबके से मैं ये पूछता हूँ, यहाँ इखलाक का फुकदान क्यों है? है क्यों नहीं आ सका हमें जीना को कोरीना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुआशरे की इखलाकी तरबियत पे, मेरे मुवक्कफ पे अगर किसी को एतराज है तो मैं एक बात करना चाहता हूँ। क्या? कि हम ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, नया सूट पहना होता है, लेकिन चप्पल पुरानी क्यों पहन के जाते हैं? क्यों क्यों करते हैं लोग? पानी पानी, पानी क्यों दे रही है? पानी या तो पी लें या तो डूब जाए। अगला अगला सॉरी अगला अगला क्यों क्यों क्यों? चिड़ी लग रही है नहीं। माशाल्लाह आप अच्छे हैं, प्यारे हैं। एक और शेर मैंने लिखा है, पास तहजीब का किसे रहेगा? पास तहजीब का कैसे रहेगा? किसे रहेगा? किसे? पास तहजीब का किसे रहेगा? कौन समझाएगा अजीजों को? मर रहे थे दवा की हाजत में, फूल भेजे गए मरीजों को। तारीख के हर सफे पे ये लिखना, चिकना 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 आ चिकना 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 बहुत लेर मेहंदी सी, तेल मेहंदी। नो प्रॉब्लम मैडम, आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। मैं सच्ची में आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, एक्टिंग से मुतासर हूँ, फिटनेस से भी मुतासर हो गया। क्या बात, इफ यू डोंट माइंड आप मेरी जिम पार्टनर बनेंगी? बिल्कुल। आपने मुझे सिर्फ डमर से प्लेटें फड़ानी है, सेट में लाऊंगा, तुझे बढ़ के रख देने साइड से। इन्हू जिम दो प्लेटा फड़ाई है, बिच चौल पा के खाने लग पे। और मैडम आप लड़ाई झगड़ा ना किया करें, किसी को मारा ना करें, अगर कोई भी आपको तंग करे मुझे फोन करना, मैं जाना मेरा काम जाने। जैन मैं बिग फैन। अच्छा उर्दू बोलता कितना बुरा लगता है। आई स्पीक इंग्लिश, आई ट्रू इंग्लिश, आई अंडरस्टैंड। मैडम इफ यू डोंट माइंड आई वांट टू टॉक सम, छोटी जी गल करनी सी अगो मैनू इन्नी की आती। ठीक है। हाँ मुझे ऐसे तो ना देखे ना, मुझे ऐसे ना नजर लग जाती है। मैडम एक बात करूं जी। माशाल्लाह आप बहुत प्यारे हैं, आपके चांद से चेहरे के लिए भी मैंने कुछ लिखा है, छोटा सा शेर लिखा है, चांद सा चेहरा आंखों में हाय मौत पै गई तन्नू, चांद सा चेहरा आंखों में। गौर से देखिए मेरी तरफ, गौर से देख रही हूँ आपको। क्या नजर आया अनुशे? पछतावा। मैं आपके शेरो शायरी की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप दूसरा शेर भी सुना दें। तीसरा। हाँ, हाँ, देखिए मैं इतना एंजॉय कर रही थी कि मुझे पता ही नहीं था कि दूसरा था या तीसरा। अरे क्या बात। Oh my God. आपकी कितनी आदतें मुझसे मिलती हैं। चांद सा चेहरा आंखों में, ये आपके लिए है खूबसूरत शेर। चांद सा चेहरा आंखों में, फूल हो जैसे शाखों में, रूठ ना जाए यार कहीं मुझसे बातों बातों में, ये प्रीत ना जाएगी छोड़ी
ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਢੋਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਸਾ ਦੀ ਜੋੜੀ यही रहेगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट प्रोग्राम देखते रहिए मजाक रहा